तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मेरा जो तीसरा वीडियो है, और मैं अभी चंद्रमा चौक के पास हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चंद्रमा चौक के पास जो कितना फ्लाईओवर का काम हो चुका है और कितना अभी जो है बचा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर का काम जो है 50% जो है कर लिया गया, 50% जो काम जो है बचा हुआ है उसे भी जो बहुत जल्द जो है पूरा कर लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर का भी काम जो है 50% जो है कर लिया गया, 50% जो बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से आपको व्यू दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर का काम जो है आपको 50% काम जो है हो चुका है, 50% काम जो है अभी भी जो है बचा हुआ है, तो उसे भी जो है बहुत जल्द जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो सुपर स्ट्रक्चर का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीका से आपको जो है दिखने को जो मिल जाएगा। और आगे मैं बात करूँ तो फ्लाईओवर के नीचे से जो आपको जो सड़क जो दिख रहा है यही सड़क जो है आपको सनोली बारसोई की ओर जो है जाती है। आप देख सकते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर का जो काम है काफ़ी तेज़ी गति से जो है हो रहा है, और इसे भी जो है बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो लक्ष्य जो रखा गया है वो 2024 में ही जो है पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो नीचे से जो सड़क गया हुआ है यही सड़क आपको सनोली बारसोई की ओर जो है जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो वर्कर है काफ़ी तेज़ धूपों में भी जो है काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कितना काम हुआ और कितना काम अभी बचा हुआ है। तो अभी जो है नया टोला की तरफ जो है जो रोड का काम है सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भराई का काम हुआ है, पिचिंग का काम अभी नहीं किया गया है। तो काम जो है काफ़ी तेज़ी गति से जो हो रहा है इसे भी जो है बहुत जल्द ही जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो मैं अभी जो हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लाईओवर का जो काम है कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम कर लिया गया है, और कहीं कहीं जो है काम जो है पूरा तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। और जो सर्विस लाइन का जो काम जो है सिर्फ और सिर्फ पिचिंग का जो काम बचा हुआ है। अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत की बात करूं तो यह प्रोजेक्ट जो है 3800 करोड़ की लागत से जो है बनाया गया है। और यह प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाने के बाद जो है सीमांचल के लोगों को काफ़ी जो है सुविधा होने वाला है। क्योंकि पहले जो है लोगों को साहेबगंज जाने के लिए काफ़ी दूरी का जो है सामना करना पड़ता था, यानी मनिहारी भागलपुर होते हुए साहेबगंज जो है जाना पड़ता था, तो काफ़ी दूरी का जो है सामना करना पड़ता था। लेकिन यह प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाने के बाद लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ अब नया टोला की ओर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि नया टोला तरफ जो रोड का काम जो हो रहा है कितना काम जो है हो चुका है और कितना काम अभी भी जो है बचा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जो फ्लाईओवर का जो बीच का जो नज़ारा है कुछ इस तरह से आपको जो है दिखने को मिल रहा होगा। और काम की मैं बात करूँ तो काम जो है काफ़ी तेज़ी से जो है काम हो रहा है। तो चलिए मैं अब मैं चलता हूँ नया टोला की ओर, और मैं दिखाता हूँ फ्लाईओवर का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं जो फ्लाईओवर का जो काम है पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर लिया गया है, और सिर्फ जो है सर्विस लाइन का जो काम जो है बचा हुआ है, यानी कि पिचिंग का जो है काम बचा हुआ है। अगर पिचिंग का काम इसमें जो है कर लिया जाएगा तो पूरी तरह से रोड का काम जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक का रखते हैं सफ़र। आगे का जो अपडेट है मैं अगले वीडियो में आपको दूँगा। तो अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब अपना प्यार दीजिए।